सिर्फ 7 दिन ये मत करो, फिर देखो क्या होता है, ठीक है? 7 आपको ऐसी चीजें करनी है 7 दिन तक, उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना है जैसे आपको खुद से एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए, खुद से आपको ना कॉल करना है, खुद से ना आपको मैसेज करना है। मतलब एक प्रायोरिटी होती है ना, आपने एक चीज़ डिसाइड कर रहा है कि जैसे हम कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हाजिरी लगानी पड़ती है कि भैया आ चुके हैं, हाजिर हम, ठीक है, फिर तुम नहीं होते तो अब्सेंट वगैरह लग जाते हैं। वैसे यहाँ आपको क्या करना है, खुद से गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, गुड नाइट नहीं बोलना, खुद से वहाँ हाजिरी नहीं लगानी। जैसे आपने एक कॉल कर दिया वो आपको नहीं करना, मैसेज नहीं करना, ताकि सामने वाला देखो इनसिक्योर होता है नहीं होता आपको लेकर, आपको लेकर वो कॉल कर रहा है नहीं कर रहा। आपको 7 दिन बिल्कुल एक मौन धारण कर लेना, नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई नहीं करना। आपको ये देखना है कि आपने उसको हमेशा कॉल मैसेज सब करे, वो जब कॉल करे अटेंड करो प्यारे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 2 मिनट बात करनी, फिर ये कहना कि यार थोड़ा सा काम आ रहा है, आपको आधे घंटे में कॉल कर देना, आपको आधे घंटे में कॉल कर देना। दूसरी चीज़ अपने माइंड में ये डालो कि आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, चीज़ मीन्स किसी को फॉलो कर लिया या उसका किसी से व्यवहार है, कोई भाई है, कोई चाचा है या मम्मी है, ठीक है, आपने बात करने के लिए मना कर दिया, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है कि उसको रोकना नहीं है। आपने मना करा, फिर आप देखते हो कॉल हिस्ट्री निकालते हो, वो उस लड़के से बात करी, उस लड़की से उसने बात करी हुई है, फिर आपको हर्ट होता है, ठीक है, या वो इंसान इंटरफेयर कर रहा है आपकी ज़िंदगी में कि भैया ये लड़का सही है, चलो ठीक है, बट ये रोक रहा है, शक्की है तेरी फ्रीडम, जिंदगी आपके पार्टनर को भिड़का रहा होगा कुछ भी। देखो उस पर्टिकुलर सेकंड पर्सन की गलती नहीं है, आपको अपने माइंड में ये डालना है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि आपका पार्टनर उसे चांस दे रहा है, उसने अपनी ज़िंदगी में उसको घोला है। अब वो अंकल हो, कुछ भी हो, उसको फाइनेंशियली हेल्प करता हो या उनका कोई फैमिली टर्म्स अच्छा हो, बट इतना टर्म्स अच्छा हो रहा है, अब आपको शक आ रहा है कि कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है इस लड़की के साथ, उस लड़के के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। ऑब्वियसली शक आएगा, क्योंकि 24 घंटे वो उसमें घुसा हुआ है, तुम्हारी बंदी में घुसी हुई है, वो उनके घर आना जाना है, तो आपको शक आएगा। फिर आपका बंदा या बंदी स्टैंड ले रहा है उनका, ठीक है, बट वो आपसे प्यार कर रहा है, आपको कॉल भी कर रहा है, मैसेज भी कर रहा है, मिल रहा भी उनके सामने, आपको प्रेजेंट भी कर रहा है, तो आप वहाँ एक चीज़ जज कर सकते हो कि आपकी बंदी आपकी है, आपका बंदा आपका है। हाँ, कोई व्यवहार है, फाइनेंशियली उसने सपोर्ट वगैरह कर दिया, उस लड़के ने लड़की ने उनको लूटा है, ठीक है, एक्सेट्रा, तो वो दबाव में आई हुई है, आया हुआ है, इसकी वजह से उनको बातें माननी पड़ती है, तो वहाँ थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो, चीज़ों को समझो, बट उनके लिए कुछ मत कहो। जब आप उनके लिए कुछ नहीं कहोगे, फिर वो आपके पार्टनर को भिड़काएंगे, आपके लिए कुछ भी कहेंगे, तो आपका पार्टनर आपके लिए लड़ाई करेगा, स्वाभिमान की लड़ाई करेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, उसको लात मारेगा, फिर वो फाइनेंशियली कुछ भी हो वो वहाँ चुकाना जरूर समझे। जब उसको गुस्सा आएगा तो वो लड़ेगा, आप कुछ बोल ही नहीं रहे तो टेंशन ही मत लो। और तीसरा पॉइंट ये करना है, जब सामने वाला बोल देता मैं बिजी हूँ बात नहीं कर पाऊँगा, अब आपको लग रहा है यार वो तो आया हुआ है घर पे, उसका दोस्त वगैरह, उसकी दोस्त नहीं आई हुई है, कोई चक्कर ना हो, ऑफिस गई हुई है, गया हुआ है, वहाँ गया हुआ है, अब आपने सोचो कहीं फिजिकल ना हो जाए। देखो कोई ना हलवा है ना पूड़ी है, कोई गली में बटरा नहीं है कि भैया ये चीज़ें मिल रही है फ्री में, तो वो हर किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट वो वाली चीज़ें ऐसे नहीं होती। आप इतने मैच्योर बनो, टेंशन मत लो, अपनी है तो अपनी रहेगी, अपना नहीं है तो आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने चीज़ें आ जाएगी। आज चीट कर रही है कर रहा है, बट एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं से बात आएगी, प्रूफ आएगा, बट आएगा जरूर आपके साथ। तो आपको जब तक जज करना ही नहीं है जब तक आपने कोई चीज़ें देखी नहीं। देखो सुनी सुनाई बातों को अगर जज करोगे तो डेफिनेटली आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। आप जज करते रहोगे यार उसने ये कहा, देखो प्रूफ नहीं है तब तक कुछ नहीं कहना, प्रूफ है तो उसकी बैंड बजा देना, ऐसे तैसे कर देना, तब तक आप लड़ोगे नहीं, कसम खा लो तब तक आप कुछ कहोगे नहीं, ठीक है। चौथा मेरा पॉइंट है, पास्ट में कोई भी चीज़ होगी हो, लड़ाई वगैरह होगी हो, अब आप उस चीज़ों को रिलेशनशिप में प्रेजेंट में ला रहे हो, ठीक है, फ्यूचर तो बहुत दूर की बात है, आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो पास्ट को लाकर, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तूने मेरा स्टैंड नहीं लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो टोंटबाजी चीज़ें हो जाती है। फिर सामने वाला कहेगा तू मेरे को टोंट मार रहा है, ये मार रहा है, फिर लड़ाइयाँ क्रिएट होंगी, फिर उसके माइंड में एक चीज़ बन जाएगी, अगर आप कुछ भी चीज़ पूछोगे वो आपको एक ही शक देगा, तो टोंट टोंट टोंट, फिर आपकी लाइफ जंड हो जाएगी और फाइट क्रिएट होगी, फिर रिलेशनशिप टोटली बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। जो चीज़ होगी होगी, अब आपके बचपन में लग गई, उन चीज़ों को लाने से कोई मतलब नहीं है। रिलेशनशिप में उसने किसी लड़के से बात कर ली, मिल ली, जुल लिया, ठीक है, या तो आपको उधर ही छोड़ देना चाहिए, ब्रेकअप कर लेना चाहिए, एंड कर देना चाहिए। अगर आपने उस टाइम नहीं करा, एक्सेप्ट करी, फिर चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, रिलेशन अच्छा चल रहा है, वो लड़की सही रह रही है, वो लड़का सही रह रहा है, फिर तुम उन चीज़ों को ला के फाइट क्रिएट वगैरह कर रहे हो, तो सबसे बड़ा फॉल्ट आपका उनका नहीं है। आपको पता था आप छोड़ सकते थे, बट आपने नहीं छोड़ा, आपने रिलेशन को आगे बढ़ाया, फिर अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो फॉल्ट आपका है, आपका है, आपका है, ठीक है। अब आएंगे मेरे फिफ्थ पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप हमेशा चीज़ों को हक मत जताया करो। देखो आप अपने मम्मी पापा पे हक जमा सकते हो, खुद की सैलरी पे हक जमा सकते हो, सामने वाला आपका नहीं है,
ठीक है, आपकी जॉब पे हक जमा सकते हो। देखो वो एक पर्टिकुलर इंसान है, आज नहीं तो कल आपका ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, तो वो आपका नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, आपको उसको रोका टोकी नहीं करनी, यार नहीं जाना वो नहीं जाना। अगर उसको वो चीज़ पसंद है वो छोड़ देगी, छोड़ देगा, उसको अपना अच्छा बुरा नहीं दिख रहा है क्या? सब समझ है उसको। और अगर आप अब समझाने आ रहे हो तो फॉल्ट आपका, अगर आपकी बात 10 बार नहीं मानी फिर आप बार बार कर रहे हो तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गिरा रहे हो, आप अपनी इज्जत को भी गिरा रहे हो। फिर सामने वाले के माइंड में ये आएगा, मैं उसको इतना सुनाता हूँ सुनाती हूँ, इसकी बातें नहीं मानी, फिर ये मेरे पीछे आ रहा है आ रही है, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इज्जत नहीं रहेगी। तो आपको करना है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, जो चल रहा है चलने दो, कुछ नहीं कहना, शांत वे में रहना है, बिल्कुल पोलाइटली रहना है, किसी को कुछ नहीं कहना, जो हो रहा है होने दो। अगर आप कहोगे नहीं, सामने वाला आपको किसी चीज़ के लिए रोके, आपको पसंद है वो, उसको नहीं पसंद, तो वो आप चीज़ को इतना करो, फिर उसको फील करो, तू भी तो करती थी, करता था, मेरे को भी तो हर्ट होता था, फिर चीज़ों का आप देखोगे कि डेफिनेटली वो आपके पास आना चाहेगा, समझना चाहेगा, आपकी वैल्यू करना चाहेगा। तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, ज़्यादा भागना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, मस्त रहना है, चीज़ें अच्छी होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर मत किया करो, अपनी फीलिंग को मत बताया करो, आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। वीडियो को शेयर करना और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।